नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि शिमला की जो पहाड़ियां हैं वो इस तरह से सफ़ेद चादर की तरह सज चुकी हैं और कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है आप देख सकते हैं। ब्यूटी देख सकते हैं आप शिमला की, आपको ज़रूर शिमला में आना चाहिए। आज मैं आपको दिखाऊंगा, ये ऊपर मेरे घर के ऊपर की जो छत है आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है। ये देखिए, ठंड है लेकिन जब बर्फ़ पड़ जाती है तो ठंड आपको कम लगने लगती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि शिमला में ठंड ज़्यादा होगी, ठंड नहीं है। आप आइए, एंजॉय कीजिए। देख सकते हैं चारों तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से कितनी भारी बर्फ़ गिरी हुई है। ये देखिए शानदार, उफ वाह। ये देखिए कम से कम 3-4 इंच की बर्फ़ गिरी हुई है, देख सकते हो आप। अब नीचे भी देख सकते हो, ये देखिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। कल रात को बहुत ही भारी बर्फ़बारी हुई है शिमला में। ये देखिए, ये सारी शिमला की ब्यूटी है, आप देख सकते हो। एंड इट्स रियली ट्रमेंडस एंड अमेजिंग प्लेस, एंड आल्सो यू सी द माउंटेन्स ऑफ शिमला, दैट इज़ मोर ब्यूटीफुल, एंड आल्सो द ब्यूटी ऑफ ए वाइट स्नो। देखिए किस तरह से पूरा जो शिमला है वो कितना सुंदर लग रहा है बर्फ़बारी होने के बाद, तो देख सकते हैं आप। आपका भी मन कर रहा होगा कि आप भी शिमला आएँ और घूमें, तो ज़रूर आप आएँ, अपने फ्रेंड्स के साथ आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ। घूमने वाली जगह है तो आपको आना चाहिए। और अगर आप इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में भी अगर आप शिमला के आसपास राज्यों में रहते हैं, जैसे कुछ लोग हरियाणा के होंगे, बिहार, यूपी, पंजाब से होंगे, तो वो आ सकते हैं आराम से। बस से आएँ, ट्रेन से आएँ, कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन आए ज़रूर। बहुत खूबसूरत जगह है शिमला की। ये देखिए, ये सारी कॉलोनीज़ बनी हुई हैं और कितनी ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट है, लोग बसे हुए हैं यहाँ पे। और लोगों का बसने का कारण ही यही है शिमला की सुंदरता। शिमला बहुत ही खूबसूरत है, तो इसलिए हर किसी का मन करता है कि वो यहाँ पे आए और सेटल हो जाए, या जो सेटल नहीं हो सकते हैं वो घूमने का प्लान कर सकते हैं। और आप देख सकते हो हर कोई यहाँ इंजॉय कर रहा है, घूमने जा रहे हैं लोग सभी। अब नीचे तक देखिए, नीचे तक देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है। देवदार के पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं बर्फ़ के साथ सजे हुए, एंड इट्स अमेजिंग प्लेस। आप इस साइड का नज़ारा आपको दिखाता हूँ, वो देखिए। अभी ये तो फिर भी आपको मैं लो हाइट की दिखा रहा हूँ बर्फ़। अगर आप और भी ऊपर जाएंगे, जैसे नारकंडा जाएंगे, शिमला रिज में जाएंगे, जाखू में जाएंगे, तो वहाँ तो बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ गिरी होती है, तो वहाँ तो आप और भी ज़बरदस्त इंजॉय कर सकते हो। बहुत खूबसूरत जगह है। गर्मियों में आना चाहते हैं तो गर्मियों में आप घूम सकते हैं, सर्दियों में आप घूम सकते हैं, सर्दियों में आपको बर्फ़ मिलेगी देखने के लिए। देखिए लोग यहाँ पे कितना ज़बरदस्त बर्फ़ के साथ खेल रहे हैं, तो आप देख सकते हो। उस साइड आप देखिए, देवदार के पेड़ हैं, कितना खूबसूरत है। और भाईजान कह रहे हैं कि मैं भाई हूँ तेरा। हाँ, आप भी हमारे भाई हैं, पूरी दुनिया के जो हमें देख रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, क्योंकि हम इंडियंस यही मानते हैं कि हम सभी भाई हैं और हमें भाइयों की तरह रहना है, प्यार बढ़ा के रखना है एक दूसरे के साथ। देखिए सारा नज़ारा, देखिए आप शिमला का, देखिए बहुत दूर दूर तक लोग बसे हुए हैं। तो अगर आप गर्मियों में आना चाहते हैं तो गर्मियों में आ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो हमारे प्लेन एरियाज हैं, प्लेन राज्य हैं, बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो उस गर्मी से बचने के लिए, कुछ टाइम अच्छा निकालने के लिए आप आ सकते हैं शिमला में भी। तो शिमला में गर्मियों में भी इतनी गर्मी नहीं होती है, होती ही नहीं है। यहाँ पंखे वगैरह भी नहीं चलते हैं, फ्रिज का इस्तेमाल नहीं होता है, तो गर्मियों में भी मौसम ठंडा रहता है। और अगर सर्दियों में आप बर्फ़ देखना चाहते हैं तो सर्दियों में भी आप बर्फ़ देख सकते हैं। सर्दियों में आपको ठंड थोड़ी और फेस करनी पड़ जाएगी, लेकिन अच्छा लगेगा। आप आएंगे तो, जब आप घूमने के हिसाब से आएंगे तो आपको ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देंगी कि ठंड ज़्यादा है या गर्मी ज़्यादा है। आप बस मज़े मारेंगे, क्योंकि हर इंसान जो होता है वो टेंशन फेस करता है, स्ट्रेस फेस करता है, उसको डिप्रेशन होता है, एनजाइटी होती है, कुछ ना कुछ उसकी ज़िंदगी में दिक्कतें होती रहती हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल के आएँ ताकि आप उन सब परेशानियों से दूर हो सके और कुछ पल के लिए आप अपने आप को उन सभी परेशानियों से दूर कर सके। तो ज़रूर आएँ, शिमला में जाएँ। जम्मू कश्मीर में भी बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, उत्तराखंड में है, लेकिन शिमला तो शिमला है। और हर जगह अच्छी होती है, हर एक राज्य की अपनी अपनी जगहें होती हैं घूमने के लिए। हर जगह खूबसूरत होती है, भगवान की बनाई हुई हर जगह खूबसूरत है। तो देखिए आप कितना सुंदर है। आइए ज़रूर शिमला, ज़रूर आइए एक बार घूमने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स,
अभी मैं रखता हूँ, आपको जो नज़ारा दिखाना था वो मैंने दिखा दिया। सो थैंक यू वेरी मच, इट्स द प्लेस ऑफ ए शिमला दैट इज़ ए मोर ब्यूटीफुल ट्रिवेंडेड एंड अमेजिंग। नेक्स्ट वीडियो आपका भी रोहन भाई दिलाएंगे, परे नीचे जाके भी जा रहे हैं, यहाँ काफ़ी बर्फ गिरी हुई है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको सारी शिमला की बर्फ दिखाएंगे कि आज रात को। ठीक है भाई जी, ठीक है, ओके।